इतना आवाज ही नहीं आएगी, चलेगा? अब ठीक है, now the director of the film Mr. Tigmanshu Dhulia, also somebody who has made this wonderful franchise into reality itni jaldi, Mr. Rahul Mitra. Sanju sir, it's your turn. Chitrangada, Deepak sir, Deep sir, एंड राहुल सर एंड तिग्मांशु सर दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती, लेकिन 2010 में शुरुआत की. तिग्मांशु सर, क्योंकि माइक आपके पास है, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली. हर डायरेक्टर चाहता है कि वो हर तरीके की फिल्म बनाए इन द करियर, अलग अलग जॉनर्स अटेंड करे, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है इस साहेब बीवी और गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में कि यू रिटर्न एवरी सिंगल टाइम टू दिस फिल्म. और अब यू नो ऑलमोस्ट 8 years, 2010 शुरुआत हुई थी, 2011 में फिल्म आई, 8 साल में इसका तीसरा पार्ट आ गया है. What is this love for Sai Bibi or Gangster that you want to come back and direct a new part? ये बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ, इसके पीछे कोई प्लानिंग या कोई बहुत बड़ा सोच नहीं थी. वो ये हुआ कि जब पहली वाली फिल्म बनी, जिस तरह से एंड हुई, एंड था स्क्रिप्ट में कि वो माही बोल जिमी बोलता ये आदमी कौन है, कहता मेरा नया ड्राइवर, मैंने कहा नए ड्राइवर के साथ एक शुरू हुआ उसका. तो वो स्क्रिप्ट में था, वो हो गया, और जब वो चल गई पिक्चर तो हमने कहा यार ये बड़ा एकदम अंत, कहानी खत्म नहीं हो रही यहाँ पे, इसमें एक गुंजाइश है इसको फ्रेंचाइज बनाने की, तो बन गई. तो उसके पीछे ऐसे कोई सोच नहीं थी, ये सब डेस्टिनी है ऊपर वाले और हम लोगों की मेहनत है सबकी. और ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला था कि गुंजाइश थी कि स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, राहुल सर अब आपसे पूछना है, गुंजाइश स्टार्ट हुई रणदीप हुड्डा के साथ पहली वाली में, फिर आए इरफान खान, देन यू वांट टू मेक द थर्ड पार्ट. कितना मुश्किल या आसान था टू कन्विंस दिस जेंटलमैन हियर टू प्ले द गैंगस्टर इन द थर्ड पार्ट? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, उसके पीछे दो कारण हैं. एक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल था. दूसरा, आई थिंक इनको मालूम था द वर्ल्ड ऑफ साई बीबी गैंगस्टर. हमने जब पहली दफा मैंने बात करी, हमारे पास कहानी भी नहीं थी, सिर्फ वर्ल्ड था साई बीबी और गैंगस्टर का. और तिग्मांशु का काम इनको बहुत पसंद था, हम लोग एक फिल्म ऑलरेडी बना रहे थे, तो एक कंफर्ट लेवल था. और उसके बाद जैसे ही कहानी बनी, इन्होंने तो पहले दिन से यहाँ तक, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था. ऑल्सो आई थिंक बिकॉज अगर आप देखें तो गिनती के फ्रेंचाइज हैं हमारे इंडस्ट्री में, कुछ 10-12 होंगे शायद, उंगलियों में गिन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंचाइज हैं वो नाम के फ्रेंचाइज, टाइटल के फ्रेंचाइज है, कहानी आगे नहीं बढ़ती, कहानी आगे नहीं बढ़ती. और वो जहाँ से पिछला पार्ट खत्म होता है, अगले किरदार बदल जाते हैं, कहानी बदल जाती है. तो इनको मालूम था कि ये वैसा फ्रेंचाइज नहीं है, सही मायने में फ्रेंचाइज साई बीबी गैंगस्टर ही है. तो और ये साई बीबी की दुनिया में उतरे, और इनसे बड़ा गैंगस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता. आई थिंक अब उनको माइक दे देते हैं, बिकॉज सो फर्स्ट ऑफ ऑल huge fan of the anti-hero that you have played. I mean, आप खलनायक की बात करें, आप कांटे की बात करें, प्लान की बात करें, मुसाफिर की बात करें, आपने इतनी सारी फिल्मों में एंटी हीरो प्ले किया है, फिर भी जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास एंड यू नो दैट यू आर प्लेइंग एन एंटी हीरो, आप क्या करते हैं उसमें कि हर बार यू कम अप विद समथिंग सो मेमोरेबल? जैसे इसमें भी आपके जो डायलॉग्स हैं, जो एंड में पंच है, या पूरी जिंदगी का मजा लेने वाला हूँ,
क्या चलता है आपके दिमाग में कि मैं इसको कैसे अलग तरीके से अप्रोच करूं? पहले तो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट तीशु ने लिखी है और कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद गैंगस्टर मेरे अंदर ही है। आई मीन और लोगों ने काफ़ी कहा भी था जब से मैं निकला था जेल से कि गैंगस्टर चाहिए तो, और ये पॉलिश गैंगस्टर है, खानदानी आदमी है, तो बहुत मजा आता है। चित्रांगदा, यू आर नाउ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फ्रेंचाइज। ऑफ कोर्स संजय सर का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, देयर इज तिग्मांशु, देयर इज राहुल, देयर इज राजू सर। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी पहली फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाज आल्सो अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जिसमें समझ नहीं आ रहा था आर यू ग्रे आर यू ब्लैक और वाइट, लेकिन इसमें भी मेरे को सेम समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मल नॉर्मल पीपल, दैट्स हाउ वी ऑल आर, आरंट वी? सो व्हाट इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर कूलर देन प्लेइंग अ गुड कैरेक्टर और अ बैड कैरेक्टर आउटराइट? I think it's slightly more interesting when you are being real, you know, because if you're all the time good or all the time bad, ek to wo perfection gets a little boring after a point. And I think that's why this particular film is so interesting. And hum teesri tak yahan par shayad isliye pahunche hain, people have loved it so much because people enjoy watching the gray, you know, because I think those so many thousand shades of gray that we have are far more interesting than the black and white. And I think you will see that. You just saw that in the trailer. Yes. So yeah. Deepak sir, first of all, wo inhaler wali cheez bahut zaruri thi mere liye. So I want to ask you, up, you've been a part of the industry for 2 decades and more. Aap itne time se kaam kar rahe hain. Main poochna chahta hu, 90s mein this man's stardom was somewhere else. Hum log sun ke aaye hain, we've heard tales. Now when you worked on a set on a film inke saath, ये जो 2 decades में आपने difference देखा है in maybe Sanjay Dutt the human being, the person, बातचीत हुई set पे इस बारे में? I'm sure हुई होगी। Yeah, Sanju and me go back into 90s and I've always loved this man. His incredible life and of course now we all witnessing it. But he's always been the great person and the great friend that he was in 90s. And so when we met after so many years on the set again, the magic was absolutely there. It was like we never really passed those years that we never met. It was all taking it back as if we were just together yesterday. So that's, I think that's amazing about Sanju, which was wonderful. He made me feel so comfortable and so loving, and it was absolutely great. And I'm absolutely thankful to, you know, be a part of this franchise again, which is absolutely a shocker because main Tishu ke paas chai peene gaya tha aise, because I've always loved his work and I maine daadi thodi bada li thi and I just went over there and then, you know, while he was talking to me, isne kuch photographs le li baat karte karte apne phone mein, and then he and Rahul bhai suddenly sat together and one fine day I get a call that, you know, there's this movie that we are making and it's a franchise with Sanju and you are to play his younger brother. So I say it's like almost like a dream come true, you know, I'm working with the best guys that I want to work with and I'm getting to play Sanju's younger brother. So I think it was wonderful. I'm thankful to Raju ji also and everybody out here who's made me a part of this franchise. Thanks a lot. So around 12:15 hum niche khade hue the and we were just waiting, and us time pe Deep sir jo hai unhone entry mari. I think 8 saal mein maine pehli baar unko haste hue dekha tha because I think he's still in character. Thank you sir, yeah, please hasiye. Aise hi roles milte hain man. Sir, serious roles. Ye Tishu sir ne aapko jo role diya hai right from the first part. Sir, itne kam dialogues hone ke bawajood, because isme aapka jo character hai wo utni baat nahi karta hai jitni shayad baki sare characters, but yet so memorable. Aap Tishu sir ke bare mein kuch kehna chahenge? Because ye ek director ki soch, without dialogues itne sare, somebody so memorable. टिशू को मैं बहुत सालों से जानता हूं और साहेब बीबी गैंगस्टर में मुझे पहली बार मौका मिला टिशू के साथ काम करने का और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं टिशू का. तो ये रोल मुझे मिला तो वैसे जब बताया गया तो ऐसे ही था कि साहेब का हंचमैन है, तो मैंने किया. मुझे टिशू के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, मैंने दिलो जान से वो रोल किया. टिशू ने जैसा करवाया मैंने वैसा ही किया, और बाद में उसका वो इम्पैक्ट आया, वो डायरेक्टर का कमाल है और मेरा कुछ नहीं. वंडरफुल. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, तो अब आई एम श्योर के बहुत सारे सवाल यहां से आने वाले हैं. तो ये एक चीज मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, सो शुड आई स्टार्ट
like how I always start, Alok. Thank you, bhai. Film hit hoti hai bhai, fir tere se agar main start karta hu to. Yes, 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 it's true. This trailer launch mein main hu aur Alok hamesha right ya left mein baitha hota hai. That film is always successful. Alok, सवाल आपका. सबसे पहले तो ट्रेलर के लिए बधाई, बेहतरीन सा ट्रेलर है, सो उसके लिए बधाई देता हूँ. बाबा, गैंगस्टर के रोल में इसमें जाने के लिए, क्योंकि आपको पता था ये तीसरी बार इसी फ्रेंचाइज की फिल्म बनाई जा रही है, क्या तैयारियाँ आपकी थी और थोड़ा शूटिंग का प्रोसेस बताएं जब आप शूट कर रहे थे. तैयारी भी कुछ भी नहीं थी, मैं जो टिशू ने कहा वैसे ही किया. और क्योंकि गैंगस्टर बेसिकली ये फ्रेंचाइज में इन्होंने पैदा किया है, तो इनको एक्चुअली मालूम है. तो वो मैंने इतनी तैयारी नहीं की, जो सेट पे हुआ जो टिशू ने कहा वैसे ही किया. और दूसरा सवाल क्या था आपका? जो शूट का प्रोसेस था ज़रा वो बताएं. शूट का प्रोसेस बहुत बहुत कंफर्टेबल था, थैंक्स टू राजू जी एंड राहुल. माहौल बहुत ही प्यारा था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई मज़ा आ रहा था सबको, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल रहा. एंड टिशू सर, बाबा की एंट्री से कितना एनहेंस हुई है ये फ्रेंचाइज और इनके साथ काम करना कैसा रहा, अगर आप थोड़ा शेयर करें. नेचुरली बाबा के आने से फ्रेंचाइजी तो बड़ी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं. देखिए, गैंगस्टर जो है, साहेब बीवी गैंगस्टर में क्या है कि साहेब और बीवी तो मेरे कंपल्सरी ब्लाइंड है, वो तो होते ही हैं. और गैंगस्टर बदलता रहता है, पहले रणदीप थे, फिर इरफान थे, अब बाबा हैं. सबसे मुश्किल जो होता है इन तीनों में रोल, वो एक्चुअली गैंगस्टर का ही है. क्योंकि साहेब बीवी के सारे मोटिवेशंस, उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. और मेरा जो इस पिक्चर में गैंगस्टर है, वो वैसा कोई गैंगस्टर नहीं, कोई रूथलेस बैड आदमी नहीं है. ये बहुत पेन लेके कैरेक्टर चल रहा है, किसी को बहुत बेइंतहा चाहता है. और फिर चाहत आपसे क्या करवाती है, किस लेवल पे लेके जाती है, उस किस्म का है. तो ऐसा ब्लैक गैंगस्टर नहीं है, वो कत्ता ही नहीं है, रुलाता ही है गैंगस्टर. और जहाँ तक इनके साथ काम करने का सवाल है, मतलब कईयों के साथ काम किया है मैंने, भी कई कहानियाँ सुनी थी, यार संजय दत्त के साथ काम करो, एक काम करना कि थोड़ा तुम पहले से कुछ शॉर्ट्स ले लेना, वो आते नहीं टाइम आइम. कुछ और कहानियाँ बताइए सर, खुद ही बता देते हैं सारी कहानियाँ बताइए. बट ऐसा कत्ता ही कुछ नहीं था, एकदम वक्त पे. और सबसे अच्छी बात जो मैंने और किसी एक्टर में देखा, बिल्कुल मॉनिटर नहीं देखते ये. शॉट दिया और डायरेक्टर ने अगर ओके कर दिया तो कितना ये, मतलब इनको एतबार है डायरेक्टर पे कि खुद इतनी फिल्में की हमसे, तो सबसे हम लोग सबसे सीनियर हैं इंडस्ट्री में, 50 कितनी फिल्में की हैं, लेकिन कभी भी नहीं. अगर वो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर पूरा एतबार है कि डायरेक्टर ने ठीक ही किया, कभी आके जो और एक्टर करते हैं, यार एक बार दोबारा ले लेते हैं यहाँ पर मैं ठीक, नेवर. रियली अप्रिशिएट दैट. एंड राहुल जी, आप भी बताएं, आप तो बाबा के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं, तो थोड़ा उसका भी जिक्र कर दें एक साथ. हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं साथ में, जिसका नाम है टोरबास, जिसकी शूटिंग किर्गिस्तान से करके हम लोग अभी लौटे हैं. बाकी तो क्या बोलूं, जैसे तिग्मांशु ने कहा कि बहुत मज़ा आया. और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है फिल्म मेकिंग में, कि जब तक आनंद आना चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए. अगर टेंशन में आप फिल्म बना रहे हैं तो चलेगी नहीं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि कोई आउटसाइडर जब आते हैं तो आई थिंक किसी को भी मालूम पड़ जाता है बस से कि ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी. तो आप सब लोगों का गुड विशेज चाहिए. इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रोसेस मेकिंग दिस फिल्म. थैंक यू आलोक. और सवाल? हाय सर, संजय सर, दिस इज संजय सर रवि. सर, कई फिल्मों में आपने गैंगस्टर की भूमिका निभाई है, वास्तव कल्ट फिल्म मानी जाती है, तो आपके लिए क्या एक कंफर्ट जोन था इस फिल्म में काम करना, क्योंकि आप गैंगस्टर की भूमिका बहुत फिल्मों में निभा चुके हैं? कंफर्ट लेवल मतलब मैं पिक्चर ही नहीं करूंगा अगर कंफर्ट लेवल नहीं रहता. और जैसे तिशकू ने अभी कहा है कि ये बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है एक्चुअली, और चाहत के लिए वो किस हद पे पहुंच जाता है, तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये गैंगस्टर का. तो बेसिकली मुझे बहुत मज़ा आया है. सर एक सवाल और, कि हाल ही में संजू फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखी यशराज स्टूडियोज में जाके, कैसी लगी आपको फिल्म? क्या कुछ कहना चाहेंगे रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में? सब लोग तारीफ कर रहे हैं रणबीर. संजय सर, रणबीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फिल्म. आई थिंक द फिल्म इज फैंटास्टिक. और राजू जी, राजू हिरानी एंड
विकी कौशल, एवरीबॉडी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और जो सच्चाई है वो ही पेश की गई. सर एक छोटा सा सवाल और कि फिल्म में मीडिया बैशिंग काफी की गई है, इसकी चर्चा काफी हो रही है कि इसमें मीडिया की आलोचना काफी की गई कि आपकी जो इमेज थी वो खराब की गई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वी रिक्वेस्ट मीडिया टू कीप पोर्टेनिंग दिस फिल्म, दूसरी फिल्म के बारे में यहां पे प्लीज ना बात करें. लेट हिम सर, अगर आप कुछ कहना. थैंक यू, थैंक यू. मोर क्वेश्चंस? यस, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस साइड. तो ये आपने सुनील दत्त साहब से सीखा था जब आपके साथ काम कर रहे थे, तो आपका 11 बजे का टाइम था और वो जल्दी आके पूछते थे हीरो आया कि नहीं, क्या कहना चाहिए? वो कहते थे हीरो आया कि नहीं, लेकिन हीरो आता ही नहीं था. लेकिन हाँ, मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा उनसे. Yes, ma'am. Sanjay sir, we see you in many different roles. You did Bhoomi with a different genre, and now this with a different genre. So which kind of genre you personally like? I like to play my age, number one, and I like to do commercial cinema, and I like all genres, action, comedy, जो भी है. Hello, so my question to director sir, Rahul sir से कि ये जो अपनी movie जो नेम फ्रेंचाइजी है, तो ये जो स्टोरी आपने ली बाबा को ध्यान में रखे हुए, या कोई और फॉर्मेट था जो स्टोरी का जो हैव मेड दिस मूवी? नहीं, बाबा को ध्यान में रख के ली. योर सीन्स विद संजू, वर यू इंटिमिडेटेड? हाउ कंफर्टेबल वर यू विद हिम, बिकॉज ही मेक्स एवरीबॉडी कम. yeah, no, I think I've also been a, I don't think Manajdak, I've told you this, but I've been a bit of a fan of him. So yes, I think the thought was very intimidating, but jaisa sab log kehte hain, is absolutely right, that when I was on sets with him, I think he's one of the nicest human beings that I've met. He just makes everybody so comfortable, and it's just been such a pleasure working with him. It's been wonderful. Chitrangada, over here. You are acting in this film, and also you are turned a producer. So, what is more challenging for you now? I think producing, and he will agree, because ये भी एक इन्होंने भी act करा है इस film के अंदर, और ये producer भी हैं. So, I think he will also agree. Producing is completely different. Yeah. So, next film, will you cast Sanjay Dutt? I should ask him. Will he act with me in the next film? That should be the question. Baba, I want to know your experience in this movie as a gangster. It's been an amazing experience. I mean, jaise maine abhi bhi kaha aapse, it's a very emotional character actually. To ek matlab dusre level ka character hai aur mujhe bahut bahut maza aaya. I have a question. Shayad kafi logon ne coincidence jo hai ye bhi miss kar diya hai. Sir, aap jab set pe the to aap sahib ke sath apne scenes kar rahe the, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी याद रह जाता है कि वो साहिब एक टाइम पे जहीर का रोल भी कर चुके हैं आपके साथ, राइट? ऑफ कोर्स. सो जस्ट नीड टू आस्क यू, जब वो टाइम आप याद कर रहे हैं 2003 में जब वो फिल्म आई थी, व द मोमेंट्स दैट यू वर लाइक रिविजिटिंग विद जिमी? ऑफ कोर्स, आई मीन वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, और वी हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में उसको मुझे एक थप्पड़ भी मारना था, और उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था वो थप्पड़ मारना. But I made him do it. You know, I said कि मारना ही पड़ेगा यार तेरे को. So I mean, I always loved Jimmy, and he's a great actor, and loved working. All right. जी, यहाँ से एक सवाल है. पढ़ा लिखा डायरेक्टर हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो
जिंदगी का एक्सपीरियंस तो यही हो गया फिल्म मेकिंग, उसके पहले जब नहीं था तो और एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से कुछ फिल्में बनाई अभी पढ़ के यहाँ से वहाँ से। और मैं बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल कहानी कहने आता नहीं है, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मेरे में होता ही होता है, तो इसलिए वैसे कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है। बट इस वाले में सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि पहले से भी वही सिलसिला है कि बहुत ट्विस्टेड कैरेक्टर्स हैं, और आजकल समाज ऐसा हो गया लोगों को ग्रे कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ भी रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। We'll take one more question. Yes, ma'am. ये मसाला question. This commercial. अरे बहुत बहुत एक्टर्स हैं। I mean, सलमान अच्छा करता है। I think रणवीर सिंह बहुत अच्छा करेगा। And I think even रणबीर अभी. You know, I think वो body language वो सब है इन लोगों में। And that's it. All right. सारे सवाल पूछ लिए मैडम आपने अपने। Okay, last day. Can we please stick to the film side? Thank you. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of this wonderful afternoon. Of course, it's a brilliant franchise. लेकिन अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पागलपन मछली पहला है, because आप फोटो खींचना चाहते हैं. But once again, one last time, from the makers of Sai Bibi and Gangster 3, thank you so much for being a part of this. Group photos. रही भाई का 1-2-1 है। ये भाई तेरा ये ले लिया? ऑडियो वाट लगा अरे आना, आने जाने वाले भी रुकते नहीं है, 2 मिनट आने जाने वाले को देख ना। भाई भाई केबल दे देना। ओके 100 रुपये। अच्छा ठीक है दे देना, केबल मैं ले रहा हूँ 50 रुपये। अरे पीछे पासिंग चलो।